दोस्तों अक्सर आपने YouTube इंटरनेट पे भीगे बादाम खाने के काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर आपको बताया जाता है कि भीगे बादाम खाने के ये फायदे होते हैं, लेकिन वो जानकारी अधूरी रहती है। अगर आपको बालों से झड़ने से संबंधित कोई भी समस्या रहती है, अगर आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, आँखों की रोशनी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, शारीरिक दुर्बलता रहती है, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, कमर में दर्द या फिर खून की कमी रहती है, इसके अलावा आपके चेहरे पर ग्लो नहीं रहती, झुर्रियाँ पड़ गई है, तो आपको लगता है कि बुढ़ापा हमें जल्दी आ रहा है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बादाम खाने का सही तरीका क्या है। रात को सोने से पहले 6 से 8 बादाम पानी में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट बादाम का छिलका उतार कर सेवन करें, क्योंकि बादाम के छिलकों में टैनिन होता है जो इसके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में ऑब्जर्व होने से रोकता है। भिगोने के बाद बादाम का छिलका आसानी से निकल जाता है और इसके न्यूट्रिएंट्स बॉडी को बेहतर तरीके से मिल पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिनको भी कफ की शिकायत रहती है वो भीगे बादाम का सेवन ना करें, क्योंकि बादाम को पानी में भिगोने और उसके छिलका उतारने से इसकी जो गर्मी है निकल जाती है, जबकि कफ की समस्या वालों को ऐसे भी हल्की गर्म चीज खानी चाहिए, तो इनको बादाम का सेवन ऐसे ही करना चाहिए बगैर पानी में भिगोए, या फिर बादाम को पीस कर पेस्ट बना लें और हल्के गर्म दूध के साथ इसे मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं। उनको कफ में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी। चलिए जानते हैं कि रोज सुबह खाली पेट भीगे बादाम खाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बादाम बालों के लिए और आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो चाहते हैं कि उनके बाल झड़ने पूरी तरह से बंद हो जाए तो रात को बादाम भिगा कर रख दें और सुबह खाली पेट छिलका उतार कर सेवन करें। आंखों की रोशनी को बरकरार रखना चाहते हो तो रोजाना बादाम का सेवन करें। दोस्तों, बादाम में फास्फोरस होता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। इसका रेगुलर सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है और इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। बादाम हार्ट के लिए अच्छा होता है। इसके इस्तेमाल से हार्ट अटैक आने के चांसेस 50% तक कम हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। भीगे हुए बादाम खाने से दिमाग और याददाश्त तेज होती है। अगर आप अपने माइंड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बादाम का सेवन जरूर करें और अपने बच्चों को भी कराएं। बादाम स्किन को अच्छा रखने के साथ ही टैनिंग को भी दूर करता है। अगर आप गोरी और चमकदार त्वचा पाना चाहते हैं तो भीगे बादाम का सेवन रोजाना करें। इसके साथ ही ये वेट को भी कम करता है। ये बॉडी में फैट नहीं जमने देता। जो लोग रेगुलर बादाम खाते हैं उनका वेट कम होता है। अगर आप अपने बढ़ते वजन को कम करना चाहते हैं तो बादाम को डाइट में शामिल कर लें। बादाम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेगनेंसी के 9 महीने और डिलीवरी के बाद भी महिलाओं के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को भीगे बादाम के ही सेवन करने हैं। इसमें फोलेट, विटामिन ए और विटामिन B6 होता है। इससे होने वाले बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर होता है। बादाम में गुड कार्ब्स होते हैं। प्रेगनेंसी में रोज बादाम खाने से कमजोरी दूर होती है और यह मॉर्निंग सिकनेस से भी बचाता है। बादाम में आयरन होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है। इसके अलावा भी दोस्तों बादाम के ढेरों से फायदे हैं, तो आप भीगे बादाम को जरूर अपने आहार में शामिल कर रहे हैं और हमेशा स्वस्थ रहें। आई होप आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूं दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखें।